30 अक्टूबर 2023 शाम 5:45 पर राहु मीन राशि और केतु कन्या राशि में आ जाएंगे। यहां राहु 18 मई 2025 तक रहेंगे। राहु एक छलावा ग्रह है। ये 18 महीने मध्यम परिवार के लोगों को बहुत ज्यादा संकट दे सकता है। अपने पैसों को और सोच समझ कर खर्चे करें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। मार्केट में काम कम होगा, महंगाई बढ़ेगी, सोने के भाव बढ़ेंगे। अगर आपके पास आय का सिर्फ एक स्रोत है तो पैसे को जोड़ना सीखे। जिन लोगों ने कर्जा उधार या इंटरेस्ट पर पैसे लिए हैं, वह लोगों के लिए समय कष्टकारी हो सकता है। राहु एक छलावा ग्रह है। आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर आपके जमा किए हुए पैसे प्रॉपर्टी का नुकसान करवा सकता है। अतः 18 महीने कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। शिमला में रहने वाले चंबा के मशहूर ज्योतिषाचार्य श्रीकांत भारद्वाज के अनुसार राहु का गोचर मीन राशि जो कि गुरु की राशि है और केतु का गोचर कन्या राशि है जो कि बुध की राशि है। ये गोचर अगले 18 महीने में सभी राशियों को कैसा फल देगा, इसके बारे में जानते हैं। मेष राशि में राहु 12वीं भाव में आ रही है। विदेश के काम में फायदा होगा, इंटरनेट के जरिए फायदा मिल सकता है। प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, नींद की समस्या आ सकती है। विवाद से बचे, केतु छठे घर में शत्रु हंता योग देता है, लोन लेने से सावधान रहे। वृषभ राशि, राहु आपके 11वें भाव में धन भाव में होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। केतु के पंचम भाव में आने से बच्चों से वैराग्य भी हो सकता है। प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, अध्यात्म बढ़ेगा। जो लोग सिद्धि और माता के चरणों में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय रहेगा, प्रभु की सेवा मिल सकती है। मिथुन राशि, राहु 10वें भाव में है, कुछ बड़ा करने की चाहत रहेगी। कार्य में परिवर्तन जरूर हो सकता है या कार्य करने की शैली में परिवर्तन आ सकता है। राजनीति में तरक्की, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। मीडिया से फायदा रहेगा, सट्टा बाजार में भी लोगों को फायदा रह सकता है। पिता से संबंध ठीक रखें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि केतु चौथे भाव में आ रहा है। घर ले सकते हैं या रिनोवेट करवा सकते हैं, परंतु कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। आध्यात्मिक बढ़ोतरी होगी, लोगों में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। कर्क राशि, राहु आपके 9वें भाव में आ रही है। कार्य जो भी करे दिल से करे, जो कार्य मिलते जाए उनको करते जाए। पैसा जोड़ना सीखे, जोड़ा हुआ पैसा ही काम आएगा। भाई बहन से अपने रिश्ते को ठीक करे, अपनी तबीयत का ख्याल जरूर रखे, प्रजनन अंगों का ख्याल रखे। केतु 3रे भाव में आ रही है, पराक्रम बढ़ेगा, काफी अच्छा रहेगा, धार्मिक रुझान रहेगा, मेडिटेशन करे। सिंह राशि, राहु आपके 8वें भाव में आ रहे हैं। गुड़ रहस्य या पस्त करने में भी सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई सिद्धि करने वाले हैं तो सिद्धि मिल सकती है। सतर्क भी रहे, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। अपनी शादीशुदा जीवन का ख्याल रखे, साधारण जीवन जिए। केतु 2रे भाव में आ रहे हैं तो डाइटिंग जरूर करे, परिवार का ख्याल रखे, परिवार के लोगों की सुनना सीखे। परिवार से अलगाव हो सकता है, इसलिए झगड़ों में कम पड़े, कड़वा ना बोले, अपने गले का खास ख्याल रखे। गले के चक्कर में अस्पताल के चक्कर लगा सकते हैं। कन्या राशि, राहु आपके 7वें भाव में आएंगे। आपकी काम वासना बढ़ सकती है। जिन लोगों की शादी की उम्र है उनकी शादी भी हो सकती है। व्यवसाय बढ़ाओ, काफी अच्छा चलेगा। अपने पार्टनर का ख्याल रखे, चाहे वह व्यवसाय में हो या आपके शादीशुदा पार्टनर हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे। केतु आपकी लगन में आ रहा है। दिल और दिमाग के बीच विचारों का संघर्ष रहेगा। वैराग्य से बचे, आपके रिश्तों से मन भर सकता है। गणेश जी की पूजा करें, वे आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। तुला राशि, राहु आपके 6वें भाव में आ रही है। आपकी लोन लेने की चाहत बढ़ सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कार्य को रोज एक सिस्टम बनाकर करना शुरू करें। पैसा आएगा, जितनी भी कमाई हो उसे ब्लॉक करते जाए। आने वाले समय में यही पैसा आपके काम आने वाला है। केतु 12वीं भाव में जाएगा, आप धार्मिक बनेंगे। जितना धार्मिक बनोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, राहु आपके पंचम भाव में आने जा रही है। नशे से दूर रहे, आपका काम बढ़ सकता है। कोई बड़ा काम बढ़ने से आप खुश रह सकते हैं। पैसे को और कमाने की चाहत बढ़ेगी। अपने प्रेम संबंधों का ख्याल रखें, क्योंकि आपके एक से अधिक प्रेम संबंध बन सकते हैं।
जो आपके लिए हानिकारक होंगे, इसलिए अपने आप को तरीके से चलाना सीखे। केतु 11वें भाव में आने से अचानक से पैसा तो आएगा, पर आपको फोड़े फुंसी जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ख्याल रखें, पूजा पाठ को नित्य जोड़ लेने से राहु आपको अच्छे फल देगा। संतान से भी कष्ट हो सकता है या संतान को कष्ट हो सकता है, इसलिए गणपति की पूजा आपके लिए बहुत जरूरी है और सूर्य को जल देना। धनु राशि, राहु आपके 4 भाव में आ रहे हैं। मन से अनबन होना शुरू हो सकती है, माँ के साथ सुखों में कमी आ सकती है, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, अतः मन से अपने रिश्ते ठीक करें। आपके सुखों में कमी हो सकती है। राहु 4 में नया घर नया वाहन देता ही देता है, या घर में किसी तरह का रेनोवेशन का कार्य हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, दुश्मनों से सावधान रहें, अपनी माँ के चरण छूके रोज कार्य शुरू करें, बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, राहु 3रे भाव में आ रही है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 3रे घर में राहु उच्च का माना जाता है। मकर राशि वालों को नौकरी और व्यवसाय या रोजगार कुछ ना कुछ जरूर देगा। अपने शरीर का ख्याल रखें, राजनीति सत्ता में फायदा हो सकता है, दारू से जुड़े व्यापार में भी फायदा हो सकता है, यात्रा या ट्रेवल का कोई काम करते हैं तो आपको उसमें भी फायदा होगा। कुंभ राशि, राहु आपके 2रे भाव में और केतु 8वें भाव में आ रही हैं। अध्यात्म का सहारा ले, कोई ऑपरेशन या चोट लग सकती है। ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर के जो मरीज है, ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें। जादू टोना टोटका आप पर आए दिन लग सकता है। व्यवसाय में कमी हो सकती है। राहु 2रे भाव में आने से आहार कम ले, पैसे का लालच बढ़ेगा। घर में कलेश हो सकता है, गले की समस्या और चेहरे में किसी तरह की समस्या आ सकती है। मीन राशि, राहु तो आपके लग्न में ही आएंगे। लग्न का राहु इंसान को जिद्दी बना देता है, आलसी बनोगे, नशे से बचे, ख्याली दुनिया से बाहर आए तभी आपका भला होगा। जितने पैसे आएंगे उतने खर्चे हो जाएंगे। जीत को एक पॉजिटिव वे में रखें, जिम करें, शिव की पूजा करें। 7वें भाव में केतु आने से जीवन साथी से तो विघटन या वैचारिक मतभेद पड़ सकते हैं। अकेले रहना पसंद हो सकता है, इसलिए एकाकी जीवन से बचें। शादी का वक्त है तो शादी समय से करें और अपनी शादीशुदा जीवन पर ध्यान दें। काम बढ़ाओ, जिम्मेदार बनो, यही मीन राशि के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र रहेगा। राहु केतु का ये गोचर बहुत सारे पाखंडियों को भी बढ़ा सकता है, इसीलिए अपने माता के चरण छूना शुरू करें, अपने गुरु की सेवा करें, जिसको भी आप अपना गुरु या अपने अध्यात्म में आगे जाने के लिए चुना है उनकी बातों को सुने और अपने कुल देवता की पूजा करें। जिन लोगों को लगन पंचम या नवम की दशा या अंत दशा चली है या जिनका राहु अच्छे भाव में बैठा है, उनके लिए 18 महीने बहुत अच्छे जा सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा भी आ सकता है, नाम और दम दोनों बन सकते हैं।